अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। मैं एक और ब्लॉग की तरफ आज जाने वाला हूँ और ब्लॉग का कोई स्टोरी इस तरह है कि यार मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट खोला है, 5 to 6 months हो गए हैं वो रेस्टोरेंट उसने खोला। उसने इनवाइट किया है कि यार आओ यहाँ पर और इस रेस्टोरेंट का विज़िट करो और आप लोगों को भी विज़िट करवाओ। तो मौसम जो है वो VIP और खुशगवार हुआ हुआ है, तो हल्की हल्की सी बूंदें भी गिर रही हैं। इस मौसम में तो वैसे भी घर पे नहीं बैठना चाहिए। फिर चलते हैं जी। जब हम लोग आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग पे, और आपको जिसका मैंने सुबह जिक्र किया था कि यार वो ब्लॉग किसका है, और हम यहाँ पर फिर आए हैं, फास्ट फूड भी ट्राई करेंगे, उसके बाद जो है बारबेक्यू की भी कुछ चीज़ें जो है आइटम्स वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे और उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ है इस वक्त मैं इनके साथ हूँ बिलाल सफदर, आप लोग मेरे को तो जानते ही होंगे भाई। तो हम लोग इस वक्त आए हुए हैं बिस्मिल्ला पकवान सेंटर पे, तो यहाँ का रिव्यू भी करते हैं और यहाँ का टेस्ट भी करते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इस बार फिर एक और ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। बेहतरीन, लजीज, बिल्कुल VIP है, जो कोई फ़र्क नहीं लगेगा आपको। माशाल्लाह कभी आए चक्कर लगाए यहाँ पे, एकदम टेस्ट हर चीज़ ओके मिलेगी आपको। हम भी अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे, कोई भी कुछ भी खा लें, बेहतरीन लजीज टेस्ट हर चीज़ में ओके। अच्छा मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया यहाँ पर हमें और यहाँ पर ब्लॉग बनाने की जो है परमिशन दी। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो बाकी आपसे जो है गपशप करते हैं जी। जनाब हम जो है इसको टेस्ट करने लगे हैं और फास्ट फूड हमने जो है इस दफ़ा बारबेक्यू में टिक्का मंगवाया है और फास्ट फूड के अंदर जो है हमने जिंगर जो है वो ऑर्डर दिया है। इसका जो है रिव्यू आपके साथ पेश करते हैं कि इसका हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और उसका जो है आपको जो है उसकी राय देते हैं कीमती कि आपको यहाँ आना चाहिए तो क्या चीज़ें जो है वो ट्राई करनी चाहिए, एक वो हम आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। इसके अलावा बिलाल भाई एड्रेस समझा दें व्यूअर्स को अगर यहाँ पे आना चाहें तो। एड्रेस यही है कि अजीमपुरा रोड के ऊपर इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है, बिस्मिल्ला पकवान सेंटर के नाम से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं इजीली, मेन रोड के ऊपर ही है ये। लाजमी ट्राई कीजिएगा, हम तो ट्राई करने वाले हैं। तो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बहुत मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा हुआ है, अब कंट्रोल से बाहर है, पर पहले क्या करोगे? चले पहले हम जो है ना टिक्का ट्राई करते हैं। क्यों यस, पहले आप टिक्का ट्राई करिए। टिक्के के बारे में मेरे कमेंट्स तो यही है कि बहुत ज़बरदस्त है, स्पाइसी जो है ना कराची वालों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आप इस टिक्के को जब ट्राई करेंगे तो आपको कराची फूड हो गया, शाइन शनवारी वगैरह जितने रेस्टोरेंट हैं, बारबेक्यू में सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम है मीरठ, बारबेक्यू में जो मीरठ का नाम जो है बिलाल ने बताया है वो जो है उसका यानी कि टिक्का कंपेरिजन करूँ मैं तो उस लेवल का टिक्का है। लाल भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अब हमारी बारी। बिल्कुल मसाला सब चीज़ें जो हैं, मसाला थोड़ा ज़्यादा है, तेज़ रखा हुआ है, थोड़ा तेज़ रखा हुआ है इन्होंने स्पाइस करने के लिए, क्योंकि हम कराची वाले हैं, हम लोग तो वैसे मसाले के शौकीन हैं, घी वगैरह में कच्चा रह जाता है, कच्चा रह जाता है, लेकिन इन लोगों का बेहतरीन है, इस चीज़ की उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, मतलब सारी अपनी चीज़ उन्होंने परफेक्ट की है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है कोयले पर पकाना, इन्होंने वो काम अपना बिल्कुल परफेक्टली निभाया है।
अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ का है ना सेटअप, वो ये है कि रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको जो है ना चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो ना बारबेक्यू में चिकन लेग है, चिकन चेस्ट है, और बारबेक्यू रोटी है, बिहारी रोटी है, बिहारी कबाब है, चिकन कबाब है, सिंगल बर्गर है, ब्रोस्ट है, और इसके अलावा मतलब हर आइटम कढ़ाई वगैरह सब मौजूद है हमारे मतलब रेस्टोरेंट वगैरह पे सारा इंशाल्लाह, सब बिरयानी इंशाल्लाह, बिरयानी चपाती पुलाव सब कुछ है हमारा। फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, बनते हुए तो अच्छा लग रहा था यार, बहुत बेहतरीन। ग्रेट यार, क्या कहना है आपका फास्ट फूड के बारे में? बन बहुत सॉफ्ट है, चिकन बहुत सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, और क्रिस्पी के बारे में क्या कहना है? क्रिस्पी क्योंकि जिंगर होता ही क्रिस्पी है, तो क्रिस्पी भी इन लोगों ने वाकई रखा है, स्पाइसी नहीं है इतना, स्पाइसी नॉर्मल रखा है, लेकिन बेहतरीन क्लासिक है। बिलाल भाई आप भी चेक करो और रिव्यूज। यार मैं तो मेरी फेवरेट चीज चिप्स, हर चिप्स भी क्रिस्पी है। चिप्स ट्राई करें आप मेरा, चिप्स भी इन्होंने अच्छा माशाल्लाह क्रिस्पी रखा है, और जो चिप्स का जो दाने होते हैं वैसे एक्चुअल रेस्टोरेंट में थोड़े पतले छोटे होते हैं, इन्होंने माशाल्लाह मोटे मोटे दाने रखे हुए हैं, और फिंगर चिप्स इसको बाकी जो बोलते हैं ना, ये इन्होंने यहाँ पे कसर पूरी कर दी है। तो हम नंबर शेयर कर देंगे, अगर आपने होम डिलीवरी करवानी है तो उसका भी आप लोगों को जो है ना नंबर शेयर कर देंगे, आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। जी जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पे आपका फूड भी, और आगे मेरे व्यूअर्स को कह दीजिए सब्सक्राइब के लिए, क्या प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो भाई ने भी कह दिया सब्सक्राइब करें, और इन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया है बिल को, तो वो एक प्लस पॉइंट, अब थोड़ा ज़्यादा खुशी होती है बिल नहीं क्या। चले इंशाल्लाह फिर, चले इंशाल्लाह फिर। और आपके जो है एक और रेस्टोरेंट बताए थे, ये हमारा सुपर ब्रांच है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसको भी जो है। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।